आज के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि मैंने ही खुद कहा था कि मैं पुलवामा के कैंप में एक रात सभी जवानों के साथ बिताना चाहता हूं और आप लोगों के साथ आपके अनुभव, आपकी कठिनाइयां और आपके जज्बे को देखना भी चाहता हूं, कठिनाइयां और अनुभव को जानना चाहता हूं। इसलिए मेरी दृष्टि से कम मेरे लिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि सीमा की अंतिम इंच तक जो जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं, चाहे सेना के हो, बीएसएफ के हो, सीआरपीएफ के हो, एसएसबी के हो, उनके साथ रहने का मौका मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित श्री मनोज सिन्हा साहब जो आज हमारे गेस्ट हैं, श्री कुलदीप सिंह जी डीजी सीआरपीएफ, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, राजीव राय भटनागर जी, डीआईबी श्री अरविंद कुमार जी, जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ सेक्रेटरी एके मेहता जी, डीजीपी जम्मू कश्मीर श्री दिलबाग सिंह जी, 16 कोर कमांडर पांडे जी, श्री पंकज कुमार सिंह डीजी बीएसएफ, श्री दलजीत चौधरी ईडीजी सीआरपीएफ और आज जिनको मैं मिलने आया हूं, सीआरपीएफ, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सेना और सीआईएफएस के सभी प्यारे जवानों, आज का ये कार्यक्रम मेरे 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे का अंतिम कार्यक्रम है और मैं निसंकोच मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाने वाला है, मगर मैं निसंकोच कह सकता हूं सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रम ये आज का अभी का हमारा कार्यक्रम है। क्योंकि पहले भी मैं गुजरात सरकार में गृह मंत्री था, गुजरात में एक सरहदी सुरक्षा विभाग भी हुआ करता है, सरहदी सुरक्षा विभाग का भी मंत्री था। उस वक्त कच्छ की सीमाओं पर बीएसएफ के जवानों को मोर्चा संभालते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए मैंने देखा है। हमारे यहां एक बहुत कठिन क्षेत्र है, बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाने के बाद हरियाणा नाला का जो हमारे यहां एक क्षेत्र है, बहुत कठिन क्षेत्र है और जिस मुस्तैदी के साथ दिन रात दिखे बगैर मूसलाधार बारिश हो या चिलचिलाती धूप हो या हड्डियां गलाने वाली ठंड हो, बीएसएफ के जवानों को मैंने वहां तैनात देखा है। उस वक्त से मैं मानता हूं कि आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है, इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है और देश के अंदर जो विकास का काम चल रहा है, 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने जिस द्रुत गति से विकास के रास्ते पर चलना शुरू किया है, निश्चित ही हम सबका भरोसा है कि कुछ ही समय के अंदर दुनिया की सभी अर्थतंत्र में भारत अपना स्थान मजबूत से मजबूत जगह पर अंकित कर लेगा। 11वें नंबर पर हम थे 2014 में, आज 6ठे 5वें पर हम आगे पीछे होते हैं, मगर मुझे भरोसा है 2024 तक हम 3 नंबर पर निश्चित पहुंच जाएंगे और ये बहुत बढ़िया मकाम माना जाएगा। और ये जो आर्थिक विकास हो रहा है देश भर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर देश के एजुकेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन से लेकर
कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि सेना और सीएपीएफ का मेरा जवान मोर्चे पर डटा हुआ है और सभी नापाक इरादों को वो धूल के अंदर मिलाने के लिए सक्षम है, इसलिए देश में डेवलपमेंट संभव हो रहा है। आज मैं यहां आया हूं तब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारे आजादी के 75वां साल चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव किसी भी के देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब देश उसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अलग प्रकार से इसको आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का फैसला किया है। हम उत्साह के साथ मनाएंगे, बहुत सारे अचीवमेंट हमने किए, अचीवमेंट का गुणगान भी करेंगे और अचीवमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूटर है उनकी पीठ थपथपाने का भी काम करेंगे, परंतु इसके साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए, जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत कहां होगा, इसके लक्ष्य तय करने का भी समय है। 75वें साल में ही देश के अंदर जितने लोग अलग अलग तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं उनको अपना एक संकल्प तय करना है, एक लक्ष्य तय करना है। जब आजादी के 100 साल होंगे, हो सकता है हम लोग न हो मगर देश होगा, तो आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां होगा हर क्षेत्र के अंदर, ये तय करना, इसका संकल्प लेना, इसका लक्ष्य निश्चित करने का हमारे लिए साल है। मैं यहां पर आप लोगों को कोई लक्ष्य देने नहीं आया हूं। लक्ष्य निश्चित हर हमारे बल का निर्धारित करेंगे, परंतु आज ये कहने आया हूं कि सारे लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम हमारे देश पर गलत दृष्टि से देखने वालों से देश को सुरक्षित कर दे, और वो काम आप लोगों ने करना है, हम लोगों ने करना है। और आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त ही आज मैं आपके सामने आया हूं, मेरे लिए भी एक दृष्टि से ये सौभाग्य की बात है और बहुत आनंद का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आज यहां पर पुलवामा में आप लोगों के साथ एक रात्रि निवास करने का मुझे मौका मिलेगा। मित्रों, धारा 370 और 35 से हटाई तब ढेर सारी अटकलें लगती थी और कोई गलत नहीं थी। बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, आना संभव भी था, हो सकता है बहुत बड़ा रक्तपात भी होगा, होना संभव भी था, मगर मैं आप सभी को आज कहने आया हूं, मुक्त मन से कहना चाहता हूं, आपकी मुस्तैदी के कारण कहीं पर किसी को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा विषय है। देश हित में, कश्मीर के हित में इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी जिस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने यहां मोर्चा संभाला, लगभग सभी बल के मिलकर 28,000 से ज्यादा जवान है, मुझे ठीक गिनती याद है, 28,000 से ज्यादा। जम्मू कश्मीर पुलिस की फोर्स अलग थी, मगर जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला, कोई रक्तपात बगैर कश्मीर के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। परिणाम देखिए, जिस पुलवामा को देश और दुनिया हमारे जवानों पर हुए निर्मम हमले के रूप में जानता था, वही पुलवामा में आज 2000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। ये इतना बड़ा परिवर्तन। अगर शांति हो, सुरक्षा हो और चुने हुए प्रतिनिधियों ने विकास के लिए ठान लिया हो तो क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। ढेर सारे क्षेत्रों में आज जम्मू कश्मीर में विकास दो दुनी रात चौगुनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, IIM हो, IIT हो, एम्स हो,
निप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय कक्षा का, जो आज जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए जिसका निर्णय नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को हर दृष्टि से बदलने की शुरुआत हुई और मुझे पूरा भरोसा है जब मोदी जी का यह स्वप्न जम्मू कश्मीर के विकास का समाप्त होगा, हम सफलतापूर्वक इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमेशा के लिए अमन चैन और शांति का भी हम प्रादुर्भाव देखेंगे। इसको हम अपने जीवन काल में ही देख पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी बहुत सुधरी है। मैं कोई बहुत आंकड़े देना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं, मैं 90 के दशक में भी आपको ले जाना नहीं चाहता, जब यहां पर चरम सीमा पर था, सिर्फ 2004 से 2014 का 10 साल का एवरेज देना चाहता हूं, आम नागरिकों का मृत्यु उस वक्त कुल 10 साल में 2081 हुआ था तो 208 आम नागरिक सालाना मारे जाते थे और सुरक्षा बलों के 105 जवान मारे जाते थे। और 2014 से लेकर 2021 तक ये आंकड़े हम देखें तो सुरक्षा बल के जवानों में शहीद होने वालों की संख्या 105 से घटकर 60 पर रह गई है और नागरिकों को मारने की घटनाओं की संख्या और व्यक्तियों को मारे जाने की संख्या 208 से घटकर केवल 30 रह गई। ये बताता है कि इस फैसले को जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी स्वीकारा है और आपकी मुस्तैदी ऐसी है कि इसमें खलल डलने वाले सफल नहीं होते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मेनली सीआरपीएफ, जहां तक बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है सेना और बीएसएफ, एयरपोर्ट की सुरक्षा का सवाल है सीआईएफएस, मदद में एसएसबी के भी जवान यहां पर लगे हैं। इस सबने मिलकर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। इसलिए मैं देश के गृह मंत्री नाते इस सभी बल के जवानों को आपको प्रतीकात्मक समझते हुए बहुत बहुत साधुवाद और उनको अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पत्थरबाजी की घटना भी अगर ढूंढ ढूंढ कर ढूंढनी पड़े तब नजर में आती है। एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी आम, आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई है। मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं, 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां जब मैं सीआरपीएफ के कैंप में आया हूं तब सीआरपीएफ का एक उज्जवल इतिहास, अभी अभी पुलिस दिन गया है, अभी अभी गया है, सभी सीएपीएफ और सभी राज्यों की पुलिस के लगभग 36,000 से थोड़े कम, मगर 36,000 कह सकते हैं, इतने जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को संभालने के लिए दिया है। सीआरपीएफ के भी 2200 से ज्यादा जवान शहादत को खुद ही निमंत्रण देते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उसको भुला नहीं सकते। कल सुबह मैं जाने से पहले शहीद स्मारक पर सभी देश के पुलिस बल के जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से सीआरपीएफ के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर ही यहां से जाऊंगा। मित्रों, मैं एक और चीज की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएपीएफ के जवानों के लिए ढेर सारे काम, 1300 मकान बनाए, कई पोस्ट बनाई है, कई बंकर बनाए हैं,
कई प्रकार के छोटे छोटे सुधार भी किए हैं। हालांकि इससे आपकी सभी तकलीफें दूर गए हो गई ऐसा मैं नहीं मानता, परंतु काफी गति बढ़ाई। भारत के वीर के अंदर कोविड की ड्यूटी करते मतलब कोविड के खिलाफ लड़ाई की ड्यूटी करते करते जो जवान हमारे बीच में नहीं रहे उनको भी शहीद का स्टेटस देकर हमने भारत के वीर से कंट्रीब्यूशन उनको देने का तय किया। परंतु एक चीज पर मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुझे इसमें यहां पर जो सारे डीजी भी बैठे हैं और सारे जवान भी और आईजी कक्षा के एडिशनल डीजी कक्षा के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अभी हमने शुरू किया है आयुष्मान सीएपीएफ का कार्ड देना। वैसे तो कुछ महीना इसमें थोड़े लेट हो गए हैं मगर अब इसमें कोई गतिरोध नहीं। मेरा आग्रह है कि हर जवान को दो कार्ड दिए जाए, एक जवान अपने पास रखेगा और एक अपने परिवार में दे देगा। भगवान न करे आपके परिवार में कोई भी बीमारी आती है या इस प्रकार की आफत आती है तो आयुष्मान भारत कार्ड से आप अनलिमिटेड आपके परिवार का सारा मेडिकल का खर्चा देश दिए बगैर पूरा उपचार कर सकते हो। कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं ना आपको बिल अप्रूव कराने के लिए यहां इतने सारे कागज जमा कराने, कुछ नहीं कराना, घर में एक कार्ड दे देना है। ये कार्ड के अंदर ही इनबिल्ट होंगे आपके सारे परिवारजनों के नाम, सारे परिवारजनों के नाम, और वहीं पर वो स्वैप कर पाएंगे। तो मित्रों मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए विशेषकर जो अधिकारीगण वो पूरा ध्यान दे और उसको नीचे तक परकुलेट करें, क्योंकि जब आप यहां सीमा पर होते हो पुलवामा जैसी जगह पे होते हो जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होता है तो भारत सरकार का दायित्व तो है कि आपके परिवार की चिंता आप पर नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार पर होनी चाहिए। और ये संवेदनशीलता के साथ हमने इस योजना को लागू किया है। मित्रों मैं बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहता, फिर से एक बार जिस मुस्तैदी के साथ आपने जम्मू कश्मीर सेक्टर हो या वामपंथी उग्रवाद का हो या नॉर्थ ईस्ट का, सभी सेक्टरों में मोर्चा संभाला है, कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है कुछ नहीं होने वाला है। देश में कभी भी कहीं पर भी दंगे, हालांकि अब कम होते हैं, अच्छा ही है कम होते हैं, मगर कहीं भी दंगे होते हैं, चुनाव होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो मुझे तुरंत कहेगा भाई साहब रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को भेजिएगा। ये जो क्रेडिबिलिटी बनाई है हमारे लोगों ने, ये विश्वसनीयता जो खड़ी की है, एक कठोर परिश्रम और बलिदानी जज्बे के कारण खड़ी हुई है। मेरा आप सबको आज विनंती भी है कि परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और उज्जवल बनाएं और आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति भी सीएपीएफ में ज्वाइन करने के लिए अपने आप को देश की सेवा का जरिया समझते हुए समर्पित करे। इस प्रकार का उज्जवल इतिहास हम सभी सीएपीएफ का बनाए। आज आप सभी को मिलकर साच अर्थ में हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर से एक बार पुलिस बल के जो 36,000 के करीब जवान शहीद हुए हैं वो सबको पूरे देश की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हृदय से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।